ओपनली एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है, ये तो एक मजाक हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर मिले, इसके लिए यूरोप के एक देश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज अ कैंडिडेट, ठीक है, और साफ कह दिया है कि हम भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए दुनिया के किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज अ फॉर अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। ये देश कोई और नहीं बल्कि रूस का जिगरी यार बेलारूस है, जिसने सामने से चीन को चेतावनी दी और जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी कि उनका देश भारत का स्थायी सदस्यता पर समर्थन करेगा। No, most countries are in support of India. रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहाल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट। इंडिरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। चाइना हर महाज पर जाकर खलल डालता है, हर महाज पर जाकर ओपोजिशन का मुजाहिरा करता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिली। द ओनली कंट्री व्हिच हैज नेवर लेट डाउन इंडिया इज द इज रशिया। हमारी सीट इन यूएनएससी होगी, सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं अब तक, ठीक है सर, सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो, हम देते हैं। सर हम 20% ऑफ द आबादी है, हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी, वी आर द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। A quarter century has passed. The world and our future generations can no longer wait. How much longer must they wait? बताएं उनको वीटो पावर के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, बोला कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए है। अभी क्या बोलते हैं, उनका मुकाबला तो चाइना के साथ हो रहा है, अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो वो और कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो सके वो चाइना को कम्पीट, अभी बहुत दूर है चाइना से, चाइना अमेरिका या रशिया से बहुत दूर है। आपको पता है रशिया से ज्यादा इकोनॉमी है भारत की, पांचवें नंबर की, दुनिया की पांचवें नंबर की बड़ी इकोनॉमी है। ये क्या वजह है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता है, दखल अंदाजी करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, लेकिन वर्ल्ड फिर भी चाह रही है कि उनको वीटो पावर मिले। देखिए जी चाइना में वर्ल्ड की, चाइना के पास एक मोनोपोली है पूरी दुनिया में, चाइना पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली रूल कर रहा है। हर प्रोडक्ट हम जहाँ पे इस टाइम खड़े हैं यहाँ पे भी आपको 99% प्रोडक्ट है वो चाइनीज मिलेंगी, वो चाइनीज उस जो आपने कोड भी फैलाओ, ये भी चाइना का है, ये माइक चाइना का है, ये कोड नहीं है चाइना का, ये फ्रांस का है, लेकिन ये माइक जरूर चाइना के। इस पे देखे ना, चाइना एक इकोनॉमिकली रूल कर रहा है, अमेरिका को डर है कि चाइना सुपर पावर ना बन जाए, अमेरिकन डॉलर खत्म करके चाइनीज येन को चाइना आगे लाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका इस जारे में है। आपने बोला है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को प्रेफर किया जा रहा है, तो भारत की तो आबादी चाइना को भी काट गई है, अब जो इंडस्ट्रीज उनकी कंट्री में लग गए उनका जो टारगेट है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का है, तो दुनिया को उनसे खतरा क्यों नहीं है, चाइना से क्यों खतरा है? देखिए ना इंडिया जिस साइड पे चल रहा है, चाइना की जो उनकी पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी है कि एक स्टेट टर्म हम यूज करते हैं पेट्रो डॉलर एक स्टेट है। चाइना की पॉलिसी है कि डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए, डॉलर का यूज एक्सचेंज के तौर पे ख़त्म हो जाए। अब डॉलर के अगर चेंज ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली चाइना सेकंड जो चीज़ है, चाइना सुपर पावर बन जाएगा। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो उनसे यूएस और बाकी जो उनसी पावर्स हैं वो इंडिया को आगे ला रही हैं। इंडिया जितना भी आगे चल जाए, इंडिया यूएस के अगेंस्ट नहीं जा सकता या यूरोप के अगेंस्ट अभी जाने के हक में नहीं है। सैंक्शंस लगती है ना, वो आंखें दिखा देते हैं, हम नहीं दिखाते। रशिया के तेल की मिसाल आपके सामने है, उनको बोला गया तुम लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना सैंक्शंस की वजह से, उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते, उन्होंने रिपोर्टर को ऑन द कैमरा जवाब दिया हमारे आवाम के लिए जो होगा हम करेंगे, तुम लोग कौन होते हो? नहीं इस तरह हमारे भी खान साहब ने जवाब दिया था, हमारे ले नहीं पाए लेकिन उनका एब्सोल्युटली नॉट एक जवाब था जो बड़ा मशहूर है। तब उसके लिए देखें ना, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया की 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 1.5 बिलियन से ज़्यादा आबादी है, जो दुनिया के 15% ऑफ द टोटल 8 बिलियन आबादी है दुनिया की, उसमें से 1.5% 15-20% इंडिया के पास है। अब आप इंडिया के दुनिया के 20% ऑफ द पॉपुलेशन को कम्पीट कर रहे हो, दुनिया के 2.5 फिर जापान के साथ कर लूँ मैं, जापान तो छोटा है, जापान के साथ कर लेती हूँ, अभी करें फिर जापान के साथ अगर हम कम्पीट करना चाहें ना, जापान की एक हिस्ट्री है, जापान की हिस्ट्री में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान एक दुनिया की सुपर पावर थी, उस टाइम जापान को कोई काउंटर नहीं कर सकता था, ना अमेरिका पकड़ सकता था, वो जो आइलैंड अमेरिका हांगकांग है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद कर पाया, वो उस पर अटैक कर रहा था,
जो छोटा सा आयरलैंड है, मैं एग्जैक्टली मैं नाम देखिए आपने कहा है ना, सुनिए जापान की एक हिस्ट्री है, मैं जापान की ही बात करने लगी हूँ आपसे। आपने बोला ना उनकी पॉपुलेशन को आप हमारे साथ क्यों मिला रहे हो, तो मैंने जापान का छोटा रखा है लेकिन उनकी तरक्की कितनी है कि दूसरा की तीसरी बड़ी वो इकोनॉमी है। हालांकि वहाँ एटॉमिक ब्लास्ट भी वहाँ पर हुआ, वहाँ की तबाही भी आपके सामने है। फिर अगर हम बांग्लादेश के साथ में अगर अपना कंपैरिजन करते हैं तो तब आप क्या कहेंगे? सर एक इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हम कैसे ट्रस्ट कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें एक बड़ी इम्पोर्टेंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी, रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। देखें इंडिया के मैंने कई जो उनके वेल इन्फॉर्म लोग हैं उनसे बात की है, वो कहते हैं जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है यूनाइटेड नेशंस में या इंटरनेशनल फोरम्स में, द ओनली कंट्री विच हैज नेवर लेट डाउन इंडिया इज रशिया। 1971 में जब पीस ट्रीटी की थी, इंदिरा गांधी ने रूस के साथ, उस जमाने में ये सिविल वॉर चल रही थी बांग्लादेश में जी। तो अमेरिका को न्यूट्रलाइज उन्होंने कर लिया था और चाइना को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया था, क्योंकि फिर ये था कि अगर इंडिया से जंग होती है तो रूस उसके साथ आता है, तो फिर चाइना उस जमाने में इतना पावरफुल नहीं था, समझ गए आप जी। तो अब एक मुल्क जिसकी और उनकी 60% जो आर्म्स हैं, आर्मामेंट है, और वो कॉपरेशन जब करते हैं रूस से तो वो सारी टेक्नोलॉजी भी ले लेते हैं, तो रशिया का के साथ इंडिया की जो है रिलेशनशिप वो हमेशा से डिपेंडेबल है। मैंने कई इंडियन वेल इन्फॉर्म्ड आर्मी के भी लोग जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी बात की, वो कहते हैं वी कांट अफोर्ड, लेकिन हम इसके हक में हैं कि अगर कहें कि दोनों तरफ से बात करके, हम रूस से यूक्रेन से बात करके पीस की तरफ ले जा रहे हैं की तरफ, हर वो कोशिश जो हमारे लिए मुमकिन है हम करने को तैयार हैं, बट वी कैनॉट जॉइन द सेंक्शन रिजीम जो इन्होंने रूस के खिलाफ की है। हमारा अपना इंटरेस्ट जो है लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमें दोस्तों की जरूरत थी, और जिस दोस्त ने हमारा हमेशा साथ दिया वो रशिया। सो नो क्वेश्चन सर, नो। वो समझते हैं कि इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, वो एशिया की नंबर टू है, जे उनको आप आने नहीं देते। तो अमेरिका ने ठीक है उनको एक एक्सेप्शन करके न्यूक्लियर वो जो है उसके अंदर कर लिया है, उस हद तक वो अमेरिका के साथ भी हैं। वो अब ये जो एक दो उन्होंने कैंसिल भी किए हैं रशियन ये जो आर्मामेंट डील्स हैं, और शायद वो अमेरिका और फ्रांस के साथ करते हैं, बट दे विल नॉट डू टू अ पॉइंट कि वो इन पे डिपेंडेंट हो जाएं और रूस को अपने खिलाफ कर लें। इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली बिल्कुल इसकी तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त।